रवि नाम है, ये रवि नाम का बंदा है और ये किसी और इलाके में जाता, मुसलमान के इलाके, अगर इसका नाम मुस्लिम होता या सलमान होता, कुछ भी नाम होता, तो इसको जय श्री राम के नारे लगवाते और शक की बुनियाद पे इसको मार दिया जाता। अब ये रवि है और हमारे इलाके में है, हम इसको इसका सारा सामान देके इसको छेड़ रहे और इसका केमिकल लेकर आए। दोस्तों, मॉब लिंचिंग ये तो अब हमारे देश का हर दिन के खेल बन गया। जब भी आप सोशल मीडिया खोलोगे, एक ना एक वीडियो तो मॉब लिंचिंग के बारे में आपको मिल ही जाएगा। कभी जय श्री राम, कभी गाय के नाम पर लोगों की हत्या की जा रही है। लेकिन आज हम इस वीडियो में ये दिखाने वाले हैं कि एक मुस्लिम को जब कुछ नामधारी हिंदू अकेले पाते हैं, तब उसके साथ किस तरह बिहेव करते हैं, और जब एक हिंदू को कुछ मुस्लिम लोगों के हाथ में आ जाते हैं, तब उसके साथ कैसे सलूक करते हैं। वैसे तो मुसलमान के साथ आरएसएस और बजरंग दल के बिहेवियर को आप जानते ही हैं। यहाँ पर एक हिंदू लड़के को जब किसी गलती पर मुसलमानों ने पकड़ा है, तब उसके साथ उन्होंने कैसे सलूक किया, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैंने आज अंसारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, हमारी गली में एक शख्स आया है जो लोगों की चांदियां साफ करता फिरता है। चांदियां किस तरीके से लोग औरतें देते हैं इसको चांदी के लिए, तो ये उस पर एक पॉलिश लेकर आता है, केमिकल है इसके पास, जिसपे से ये सफाई इस तरीके से करता, वो चांदी चांदी नहीं रहती। अगर सुनार के पास जाएंगे, अगर एक तोला चांदी होगी तो तकरीबन 300 ग्राम 200 ग्राम चांदी बचेगी। ये इस तरीके से सफाई करते हैं और इसका नाम है, क्या नाम है तेरा? तेज बोल। रवि नाम है, ये रवि नाम का बंदा है और ये किसी और इलाके में जाता, मुसलमान के इलाके, अगर इसका नाम मुस्लिम होता या सलमान होता, कुछ भी नाम होता, तो इसको जय श्री राम के नारे लगवाते और शक की बुनियाद पे इसको मार दिया जाता। अब ये रवि है और हमारे इलाके में है, हम इसको इसका सारा सामान देके इसको छेड़ रहे और इसका केमिकल लेकर आए। अरे तेरे बाप का नाम क्या है? नरेश नाम है। इसके बाप का नाम नरेश है। कहाँ से आए? आगरा से। आगरा में कौन सी जगह से? सीपी टोला आर्या रोड से आया है। अब ये होता यूपी से आया है और यूपी के अंदर आया, और उसके बाद अगर मुसलमान होता, इसे शक की बुनियाद पे आज की डेट में जो चल रहा है कि हिंदू मुसलमान बनाम चल रहा है हर जगह, और इसको शक की बुनियाद पे मार दिया जाता और जय श्री राम के और किसके नारे लगा, मालूम तुझे किस किस नारे लगा देना वो थैला। हमने तुझे ऐसा बोला नहीं, बोला ना मारा थैला देने से थैला। अरे नहीं, वीडियो में दिखा, वीडियो में दिखा ना, बता इधर देखो, तुझे किसने मारा, किसने कुछ करा नहीं करा ना। ये होता है इंसानियत, ये हम लोग में इंसानियत बाकी तुम लोगों के अंदर नहीं है। भगवान आतंकवादी, तुमसे यही कहना चाहता हूँ, हमारे अंदर इंसानियत है और ये मैसेज तुम लोगों के लिए खास, हमारे लिए नहीं है। अगर ये अभी भी रोक के दाढ़ी पकड़ के और बाल पकड़ के इसको मारा जाता, जैसे झारखंड में मारा गया अभी हाल फिलहाल में, ये तुम्हारे अंदर और हमारे अंदर की इंसानियत बरकरार अभी भी है, जिंदा है, इसलिए हम नहीं चाहते नफरत फैलाना। अब ये देख लो इस शख्स को, और किसी गली मोहल्ले में ये शख्स अगर जाए तो, भाई शकल दिखा जरा, जाए तो इससे ना चांदी साफ करवाए ना सोना, केमिकल से साफ कर देगा अच्छी तरीके से, दोबारा आपका ना सोना रहेगा ना चांदी रहेगा। ठीक है, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो ये होते हैं मुसलमान, जो दूसरे धर्म के लोगों को कितना एहसान और इज्जत करता है। इस वीडियो के जरिए जय श्री राम के नारे लगाने वालों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अरे जाहिलो, कुछ तो इनसे सीखो। इस देश को पहले ही अंग्रेजों ने बर्बाद करके रख दिया है, अब हम उनके जाने के बाद भी उनके ही आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। यानी इस देश को धर्म के नाम पर बांट दो और इस पर शासन करो। इसलिए हम अपने गौर व फिक्र को बदलाए और सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएं।